आज हम लोग चर्चा करेंगे बार बार ठंडा लगने, सर्दी ठंड लग जाने का के विषय में, इससे निजात कैसे पाया जाए। अगर इसका चिकित्सा की तरफ जाते हैं तो देखिए ज़्यादातर लोग डॉक्टर साहब लोग एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स या नाक का स्प्रे, इनहेलर्स, ये सब देते हैं। इतना परिमाण में एलर्जी हो रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग स्पेसिफिक वैक्सीन बना के दे पाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे बार बार ठंडा लगने, सर्दी ठंड लग जाने का के विषय में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, और जो नए बंधु आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ चैनल को ऑल सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबाएं, तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। और जो पुराने बंधु हैं उनसे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि और जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में उनको जानकारी मिल सके, पहुँच सके, वो उपकृत हो सके। तो बार बार अचानक अचानक से ठंडा लग जाना, सर्दी लग जाना, नाक से पानी आ जाना, बहुत सारी छींकें आना, या गले में खिचखिचाहट होना, छाती में घड़घड़ाहट होना, सांस सांस का आवाज़ होना छाती में, ये बड़ा दुखदायी स्थिति होता है। ऐसा होने से बराबर एक कंसंट्रेशन लॉस होता है, आप कोई चीज़ सामान्य रूप से कर नहीं पाते हैं, और बड़ा अस्वस्थ कर व्यवस्था होता है। कोविड के बाद से तो लोग और इस तरह के लोगों को जब देखते हैं कि सर्दी खांसी नाक से पानी आने वाला चक्कर है तो बड़ा घूम के देखते हैं और परहेज जैसे ही करते हैं। तो इससे निजात कैसे पाया जाए, अगर इसका चिकित्सा की तरफ जाते हैं तो देखिए ज़्यादातर लोग डॉक्टर साहब लोग एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स या नाक का स्प्रे, इनहेलर्स, ये सब देते हैं। लेकिन ये तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, जब तक दवाई खाया तो दो चार पाँच दिन का कोर्स किया, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक, ये सब दो चार पाँच दिन का कोर्स किया तो तब तक के लिए नॉर्मल सी है। कोर्स दवाई का ख़त्म हुआ, तीन चार दिन बाद से फिर जहाँ खड़े थे वहीं से वो सब सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो ब्रॉडली एंटी एलर्जिक चिकित्सा दिया जाता है इसमें, तो जब तक दवाइयाँ चलती हैं तब तक आपको आराम महसूस होता है। तो हम ये ब्रॉडली अंधकार में हम लोग दे रहे हैं, एंटी एलर्जिक दे रहे हैं, रिलीफ हो रहा है, लेकिन ज़रूरत है फोकस करके खोजना कि किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये जैसे हम लोग खोज के निकालेंगे कि किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग स्पेसिफिक वैक्सीन बना के दे पाएंगे। वो वैक्सीन लेने से बॉडी के अंदर में जिन जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। इसको स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं इस वैक्सीन को। अब वैक्सीन सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे इंजेक्शन बहुत सारा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी स्लिट बोलते हैं, सब लिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, मतलब जीभ के नीचे ड्रॉप खाने वाला वैक्सीन है ये। जैसे बच्चों को पोलियो देते हैं वैसे ये भी ड्रॉप खाते हैं, जीभ के नीचे ड्रॉप्स लेते हैं और ग्रेजुअली दो तीन महीने में धीरे धीरे जैसे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है तो रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और दवाइयों के चंगुल से आदमी निकलने का रास्ते में अग्रसित हो जाता है। इस तरह का परिसेवा अगर आप किन्हीं को भी लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास मौलाली मज़ार है, उसके पीछे इंटाली सिनेमा हॉल और मौलाली मज़ार के बीच में बैठता हूँ, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता मैं बैठता हूँ। नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। अगर और भी कुछ प्रश्न अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपके जिज्ञासा का को संबोधित कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता।